नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सेकेंड, रिश्ता का फोन है। रुको। हेलो, हाँ रिशिता, तुम तो अगले हफ्ते आने वाली थी ना? अच्छा, कल आ रही हो? ठीक है बेटा, ओके, हाँ बाय बाय बाय। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ, रिशिता कल आ रही है। अरे वाह, इतने समय के बाद तुम्हारी बेटी वापस घर आ रही है और तुम खामखा टेंशन ले रही हो। कुणाल, हमारी शादी को सिर्फ 1 साल हुए हैं और रिशिता को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे डर है कि जब वो हमारी शादी के बारे में जानेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। अरे बताने की क्या जरूरत है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। नहीं कुणाल, पहले बात और थी, वो हमारे साथ नहीं रहती थी तो छुपाना आसान था, पर अब वो हमारे साथ रहेगी तो। वैसे मैंने सोचा है कि जैसी वो आएगी ना, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। जानती हूँ उसे थोड़ा बुरा लगेगा, पर हम दोनों सब कुछ संभाल लेंगे, है ना? रिश्ता को मत बताना कि तुमने मुझसे शादी कर ली। देखो, पहले भी तुम एक गलती कर चुकी हो, अब दोबारा इस तरह से मिलवा कर तुम वापस से वही गलती करने वाली हो। देखो, इतने समय के बाद बोर्डिंग स्कूल से तुम्हारी बेटी घर आ रही है और एकदम से तुम उसके सामने एक नया बाप खड़ा कर दोगी। देखो, उसको इस माहौल में ढलने दो, थोड़ा एडजस्ट होने दो, थोड़ा हमारे साथ में रहेगी तो मुझे समझ पाएगी। हम बाद में तुम उसको बता भी दोगी तो उसको झटका नहीं लगेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम ठीक कह रहे हो। रिशिता, हाय मम्मा। हेलो बेटा, सुबह से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। और मैं इंतजार कर रही थी आपके उस बड़े से सरप्राइज का जो आप मुझे देने वाली थी। आपने मुझे फोन पर बताया था, यू रिमेम्बर? आई रिमेम्बर। जल्दी बताओ ना मम्मी, क्या सरप्राइज है? मैं तुम्हें किसी से मिलवाने वाली हूँ। कुणाल, इनसे मिलो, ये मेरे बहुत अच्छी फ्रेंड है और मेरे बिजनेस पार्टनर भी। बिजनेस पार्टनर? यही तो सरप्राइज है। मैं और कुणाल मिलकर एक बहुत बड़ा योगा फिटनेस सेंटर खोलने वाले हैं। वाओ मम्मा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें जगह भी नहीं खरीदनी पड़ी। कुणाल अपना घर रेनोवेट करवा रहे हैं, नीचे हम योगा सेंटर खोलेंगे और ऊपर ये खुद रहेंगे। पर जब तक इनका घर रेनोवेट होता है ये हमारे साथ ही रहेंगे। और कुणाल, रिशिता के बारे में तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, बहुत टैलेंटेड है, ड्राइविंग का शौक है और चॉकलेट इनकी जान है। देखो, तुमसे बिना मिले तुम्हारे बारे में कितना कुछ जानता हूँ मैं। लेकिन एक बात तो आपको मेरे बारे में 101% नहीं पता कि मैं अपनी चॉकलेट किसी के साथ शेयर नहीं करती, इसलिए ये मैं अकेले ही खाने वाली हूँ। थैंक यू कुणाल, इतने अच्छे से सब कुछ हैंडल करने के लिए।
अब ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा दिन रुकना नहीं पड़ेगा, जल्दी ही हम रिश्ता को अपने बारे में बता देंगे। जो लड़की अपनी चॉकलेट भी शेयर नहीं कर सकती, वो अपने बाप की जगह किसी को कैसे दे सकती है? इतना भी आसान नहीं है। जल्दबाजी मत करो, पहले उसे इस माहौल में ढलने दो, फिर उसी के बाद बता देना। ठीक है। बाय द वे, ऋषिता कहाँ है? अपने कमरे में है। ओके। कुणाल अंकल आइए ना, कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है ना? ठीक है। वाओ पास्ता। हाँ मैंने बनाया। रियली? बहुत अच्छा बना, इट्स माय फेवरेट। प्रीति ने बताया था और ये भी बताया था कि पास्ते के बिना तुम लंच भी नहीं करती हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ हाँ तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे अंदर सब अच्छी बातें। मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ, मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तुम्हारा गुस्सा। अगर इनके हिसाब से कोई चीज ना हो ना, तब इनका गुस्सा देखना, गुस्से में पागल हो जाते हैं ये। कुणाल अंकल अब तो मुझे आपसे डर लग रहा है। अरे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो मेरी बेटी हो। बेटी तो मैं सिर्फ अपने पापा की हूँ, हम फ्रेंड्स हो सकते हैं। क्या हुआ? ऋषिता के कमरे में कोई चोर घुसाया था, उसने उसके कपड़े काटे और मारने की भी कोशिश की। क्या? तुम एक काम करो, ऋषिता को कपड़े चेंज कराओ, मैं पुलिस को फोन करता हूँ।
अरे वाह, तुम तो इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। मम्मा, पर मुझे इस ड्रेस में बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मैं क्रिस के साथ जाके अपने लिए कुछ कपड़े ले आऊं? हाँ, पर कुणाल कह रहा था कि वो तुम्हें शॉपिंग पे लेकर जाएगा। अरे वाह, इंडियन ड्रेस में तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। क्यों, वेस्टर्न ड्रेस में मैं अच्छी नहीं लगती? सच बोलूं तो तुम क्या, कोई भी लड़की वेस्टर्न ड्रेस से ज्यादा इंडियन ड्रेस में अच्छी लगती है। वैसे भी लड़कियों की सेफ्टी है इसमें कि वो टाइट और छोटे कपड़े ना पहने। कुणाल अंकल, मुझे तो हैरानी हो रही है, आप ऐसी बात कर रहे हैं। सही तो बोल रहा हूँ मैं, पर ये सारी रोक टोक लड़कियों पे क्यों लगाई जाती है? लड़कों पे तो नहीं लगाई जाती। क्योंकि लड़के अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, और फैक्ट यही है कि लड़कियां वैसे के लिए वीक होती है, उन्हें हर बार प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। पर अंकल, मुझे ऐसा नहीं लगता कि लड़कियां वीक होती हैं। लड़कियों को वीक बनाया जाता है उनपे इतनी सारी पाबंदियां लगाकर। और फैक्ट तो ये है कि लड़कियां पहलवानी कर रही हैं, देश चला रही हैं, और लड़कियों को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो आपको अपनी सोच बदलने की। रिशिता, ये कोई तरीका होता है बड़ों से बात करने का? देखा, अगर लड़कियां बोलती हैं तो उन्हें ऐसे चुप करा दिया जाता है। हाय क्रिस। हाय रिशिता। आओ। हाँ। कुणाल अंकल, ये क्रिश है, बोर्डिंग स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। हेलो अंकल। क्रिश बेटा, आओ बैठो ना। नहीं नहीं, बस अब लेट हो रहा है, मैं रिशिता को लेने आया था। चले। ठीक है मम्मी, मैं जाती हूँ। ठीक। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं रिशिता को शॉपिंग पे ले जाने वाला हूँ, तुमने उसको बताया नहीं? मैंने उसे बताया था, पर वो पहले ही क्रिश को कॉल कर चुकी थी और वो मुझसे परमिशन लेके गई है। और अच्छा है ना, हमें भी कुछ वक्त अकेले में मिल जाएगा। तो ठीक है फिर। अरे इतनी क्या आफत मचा रखी है, एक साथ इतनी सारी घंटियां, और तू अकेले ही आई है? क्रिश क्यों नहीं आया तुझे छोड़ने? अरे मम्मा, वो क्या छोड़ेगा मुझे, उसका तो खुद बुरा हाल है। क्यों, क्या हो गया? उसकी गाड़ी का किसी ने इतना बुरा हाल किया कि बस पूछो ही मत। ने गहरे गहरे स्क्रैचेस मारे है ना, और चारों टायर भी काट दिए। उसके पापा की नई गाड़ी थी, लुरु के बुरा हाल है बेचारे का। मम्मा बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई, मेरी पसंद का तो कुछ मिला ही नहीं। ये क्या लेकर आई है, सलवार सूट? अब आप लोग इतनी तारीफ कर रहे थे और मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैंने यही ले लिया। कुणाल अंकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे? तुम्हारे जाने की थोड़ी देर बाद वो चले गए थे, उन्हें कोई जरूरी काम था, आते ही होंगे। जाओ तब तक तुम फ्रेश हो लो। क्या देख रही हो? मम्मी, मैं कुणाल अंकल को देख रही हूं। कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? खाना इतना अच्छा बनाते हैं, बातें इतनी अच्छी करते हैं, नेचर इतना अच्छा है, कोई नशा भी नहीं करते, और तो और सारी चीजें खुद ही मैनेज करते हैं। वो ऐसा ही है,
बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत समझदार है, बस कभी कभी अपना टेम्पर थोड़ा लूज कर लेता है, वो भी तब जब उसके हिसाब से चीजें ना हो रही हो, बिल्कुल तुम्हारे डैडी की तरह। मम्मी प्लीज आप उनको डैडी से कंपेयर मत कीजिए, डैडी जैसा कोई नहीं हो सकता। बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना ला लेती हूँ। रिशिता आओ बेटा, खाना ठंडा हो जाएगा। By the way, ले आई रिशिता कपड़े? हाँ ले आई। क्या लाई है देखोगे तो हैरान हो जाओगे। वो अपने लिए सलवार सूट लेकर आई है। क्या सच में? क्या बात है। आज जब मैं उससे मिली ना तो तुमसे बहुत इम्प्रेस थी, काफी तारीफ कर रही थी तुम्हारी। लगता है कि टाइम आ ही गया है कि रिशिता को अपने बारे में बताई देते हैं। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन हाय मम्मा। अरे सॉरी मम्मा, थोड़ा लेट हो गई। हेलो बेटा। हाय। वैसे प्रीति तुम्हें नहीं लगता कि हमें रिशिता को ट्रिप पे ले जाना चाहिए? हाँ हाँ क्यों नहीं। रियली इनफैक्ट कल मैं और क्रिस भी यही सोच रहे थे। अच्छा, अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है, चलते हैं ना फिर। कहाँ जाना है ये डिसाइड करो। तुम बैठो मैं देखती हूँ। क्रिश आओ, आज चलो खाना खाओ। नहीं मैं अभी बस खाना खा के आया हूँ। क्रिश तुम्हारी गाड़ी पे जिसने स्क्रैच मारा था उसके बारे में कुछ पता चला क्या? आंटी वो सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है, पता चल जाएगा। आजकल कुछ अजीब सी चीजें हो रही है। अभी कुछ दिन पहले रिशिता के कपड़े किसी ने काट दिए थे। तो आंटी आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाई? कुणाल तुमने पुलिस को कंप्लेंट की थी ना, क्या हुआ? हाँ हाँ मैंने कंप्लेंट तो की थी, अब देखते हैं क्या हो सकता है। तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया? अरे अभी कहाँ यार, तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम आ गए हो ना, तुम्हारे साथ करूंगी। उसी के लिए तो आए हूँ। मम्मी मैं क्रिस के साथ अपना असाइनमेंट पूरा कर लेती हूँ और खाना भी अंदर ही खा लूंगी। हाँ जाओ। असाइनमेंट दिखा, क्या बनाया है तूने, मुझे देखना है। असाइनमेंट? कौन सा असाइनमेंट? ये तो मैंने बहाना किया था तुमसे मिलने के लिए। तू पागल हो गया है क्या? अरे यार जब से तुम घर आई हो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था वो भी चला गया, कुछ तो मिलना चाहिए ना। क्या कर रहे हो तुम, मम्मी आ जाएंगी। ये तो इतना डर क्यों रही हो? देखो मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। अच्छा तो एक काम करते हैं, दिल से दिल मिला के देखते हैं कैसा लगता है। अरे खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मैं एक मिनट में आता हूँ।
कुछ लेके आऊं, जूस वगैरह? नहीं अंकल, थैंक यू। ठीक है, तुम पढ़ाई करो, सी यू। जी। तुम्हारे अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट। हाँ यार, मेरा तो बहुत केयर करते हैं। अच्छा, क्या बता रहे थे तुम मुझे? मैं ये बता रहा था कि इस वाली फाइल में ना देखो, जाग रही होगी, तुम्हें अभी कमरे में होना चाहिए था। मैं चेक करके आया हूँ, वो सो रही है। जरा सा भी मौका जाने नहीं देते। और वैसे भी आजकल मौके मिलते ही कहाँ हैं। हेलो, क्या हुआ क्रिश? सॉरी यार, मैं इतनी रात को फोन कर रहा हूँ, लेकिन बात ही ऐसी है कि बिलीव नहीं हो रहा है। बोलना क्या हुआ? तुम्हें पता है, जिस आदमी ने हमारी कार को स्क्रैच किया था ना, उस आदमी ने सेम वैसी ही शर्ट पहनी हुई है जैसे उस दिन कुणाल अंकल ने पहनी हुई थी। तू क्या बात कर रहा है यार? जब हम घर से बाहर गए थे तो कुणाल अंकल घर पे ही थे, और एक जैसी शर्ट तो किसी की भी हो सकती है ना। सीसीटीवी में तो फेस भी क्लियर नहीं दिखता, तो तेरे को कैसे पता वो कुणाल अंकल थे? अरे मैं सही कह रहा हूँ, सिर्फ उसकी शक्ल नहीं दिखी लेकिन हाइट और बॉडी सेम थी। यार तू मुझे सोने दे, तू भी सो जा, गुड नाइट। अरे कुणाल अंकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे? तुम्हारे जाने की थोड़ी देर बाद वो चले गए थे, उन्हें कोई जरूरी काम था, आते ही होंगे। मामा, रिशिता, रिशिता एक मिनट, रिशिता मेरी बात सुनो, मैं उसे बात कर आती हूँ। रिशिता, पापा, रिशिता, रिशिता, मैं तुम्हें ये बात बताने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, अकेला छोड़ दीजिए मुझे, चले जाइए मेरे रूम से प्लीज। रिशिता, आज तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, शादी की है मैंने कुणाल से, वो मेरा पति है, और अब तुम्हारा बाप। वो आपका पति होगा लेकिन मेरे बाप नहीं, वो मेरे पापा की जगह कभी नहीं ले सकता, समझे आप? रिशिता, तुम कुणाल को अपना बाप मानो या ना मानो, पर वो तुम्हें अपनी बेटी मानता है, और एक बात तुम्हें जानना बहुत जरूरी है रिश्ता, जो आजकल तुम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ कुणाल की ही देन है, वरना तुम्हारा बाप मरने के बाद मेरे और तुम्हारे लिए एक कौड़ी भी नहीं छोड़कर गया था। देखो रिश्ता, कुणाल एक अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा है, और तुम्हें अब एक अच्छी बेटी बनना है। गुड नाइट। Good night.
रिशिता खाना खा लो आके। रिशिता कहाँ जा रही हो? मैं मेरी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की, चुपचाप चलो और खाना खाओ। मामा मुझे भूख नहीं है, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, बैठो चुपचाप। मुझे नहीं खाना मम्मा। तुझे खाना खाना पड़ेगा। हेलो आंटी जी। क्रिश आओ बेटा खाना खा लो। जी क्रिश चलो रूम में चल के बात करते हैं। रूम में कोई नहीं जाएगा, जिसको जो भी बात करनी है वो यहाँ पर करेगा। मैं फिर कभी आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। क्रिश रुको एक मिनट। आई लव यू क्रिश। रिशिता रिशिता ये क्या बदतमीजी है? मैंने किया तो इतना बुरा लग रहा है और आप जो कर रही है वो? मुझे नफरत है आपसे मम्मा। आई हेट यू रिशिता। ऐसे गुस्सा करने से क्या होगा, वो ऐसे नहीं मानेगी। आज का दिन रहने दो, मैं उसे समझा दूंगा। जो बच्चे बचपन में बोर्डिंग स्कूल में भेज दिए जाते हैं उनकी अपनी सोच बन जाती है, जिसे बदलना मुश्किल है पर नामुमकिन तो नहीं। उम्मीद मत हारो प्रीति, सब ठीक हो जाएगा। कुणाल मैं उसे हर तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ पर ना वो डांट से मानती है ना प्यार से मानती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं एक माँ के साथ साथ एक इंसान भी हूँ। मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मैं जिंदगी भर अकेले तो नहीं रह सकती थी ना। तुमसे शादी करके मैंने गलत किया क्या? कुछ गलत नहीं किया तुमने, यकीन करो मेरा। रिशिता भी सब कुछ समझ जाएगी जल्दी। सुबह से कमरे में भूखी बैठी है, कुछ नहीं खाया उसने। मैं उसे खाना खिला के आता हूँ। तुम उसके पास मत जाओ। यकीन करो मेरा, मैं जो भी करूंगा सही करूंगा। रिशिता रिशिता Kunal!
कुणाल, कुणाल मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई है। कुणाल ये देखो कुणाल क्या लिखा हुआ उससे। I hate you mummy। कुणाल मुझसे बहुत नफरत करती है, मेरी वजह से वो घर छोड़कर चली गई, पता नहीं किस हाल में होगी वो। प्लीज प्लीज उसे ढूंढ लाओ प्लीज। मैं उसे कभी कुछ नहीं कहूंगी, मैं उसे माफी मांग लूंगी। मेरी सजा वो खुद को ना दे कुणाल, मेरी बच्ची किस हाल में होगी। प्लीज उसे ढूंढ लाओ। होश में आओ प्रीति, होश में आओ, काबू रखो अपने ऊपर। कुणाल तुम उसे कॉल करो, तुम पता लगाओ कहाँ है वो। ऋषिता तो अपना फोन घर पर ही छोड़ के गई है ताकि हम उसको ट्रैक ना कर सके। अब हम क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे वो कहाँ गई होगी। तुम एक काम करो, उसका दोस्त है ना वो क्रिश, उसे जरूर पता होगा वो कहाँ है, तुम उसे फोन करो। संभालो प्रीति अपने आप को, संभालो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे संभाल पाओ अपने आप को कुणाल, तुम पुलिस को फोन करो ना, बताओ कि ऋषिता गुम हो गई। अरे कैसे करूं पुलिस को फोन, ये दीवारें देख रही हो तुम, लोग सोचेंगे कि हम जुल्म कर रहे हैं ऋषिता के ऊपर। एक बालिक लड़की घर से भागी है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। तो हम क्या करेंगे कुणाल, हम ऐसे तो बैठे नहीं रह सकते ना। देखो संभालो अपने आप को, मैं कुछ करता हूं। देखो मेरा एक दोस्त है जिसकी डिटेक्टिव एजेंसी है, मैं उससे बात करता हूं। प्लीज जल्दी करो कुणाल, प्लीज जल्दी करो। ऋषिता के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। उन लोगों ने सारे हॉस्पिटल, रेलवे ट्रैक्स, यहां तक कि गेस्ट हाउस, होटल तक छान मारा हो, लेकिन ऋषिता का कहीं भी पता नहीं चला। रेलवे ट्रैक्स और हॉस्पिटल? हाँ, उन लोगों का कहना है कि अक्सर ऐसे केस सुसाइड कर लेते हैं। नहीं कुणाल, ऋषिता ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ हरगिज नहीं कर सकती, लेकिन कुछ कह भी तो नहीं सकते। कुणाल सब मेरी गलती है, ना मैंने उसे उस दिन थप्पड़ मारा होता, ना वो घर से भागती, सब मेरी गलती है। तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे यार, प्लीज छोड़ दो। अपने आप को ब्लेम मत करो, तुमने कुछ नहीं किया है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। कुणाल मैंने उसके सारे दोस्तों को कॉल किया, क्रिश को भी फोन किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहाँ होगी वो, किस हाल में होगी मेरी बेटी। थोड़ा सब्र रखो प्रीति, हो सकता है ना कि कल और परसों में ऋषिता घर वापस आ जाए। लेकिन एक कंडीशन है,
तुम्हें इसे खाना पड़ेगा। मैं नहीं खाऊंगी। तुम्हें इसे खाना पड़ेगा। मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगी, चले जाओ मेरे कमरे से। नहीं खाएगी? खा। ऐसे कैसे नहीं खाएगी? खा इसे। आप मुझे ये कहाँ लेकर आए हो? ये सब क्या है? सबक, सबक सिखाने के लिए। कोई अगर मेरी बात नहीं मानता है तो मैं उसके साथ क्या करता हूँ? कुणाल अंकल, आप ये सब अच्छा नहीं कर रहे हो। अंकल नहीं, डैडी, डैडी कहो मुझे। नहीं कहूंगी मैं तुम्हें डैडी। डैडी कहो मुझे। नहीं कहूंगी मैं आपको डैडी, नहीं कहूंगी। नहीं कहेगी डैडी, लेकिन डैडी के सामने लड़कों से गले मिलेगी, किस करेगी उनको, छोटे छोटे कपड़े पहनेगी, बदतमीजी से बात करेगी। बदतमीजी मैं नहीं, आप कर रहे हैं। मैंने तो आपको सिर्फ आईना दिखाया है। अपने पाप से ऐसे बात करेगी? बोल डैडी सॉरी। नहीं बोलूंगी, मर जाऊंगी पर तो मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। प्रीति क्या हुआ? घबराइएगा मिस्टर कुणाल, देयर इज गुड न्यूज फॉर यू, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। थैंक यू डॉक्टर साहब। यू आर वेलकम। थैंक यू। मैं कुछ दवाएं लिख देता हूं जी, आप ये मंगवा लीजिएगा और कल इनको हॉस्पिटल में लेके आ जाइएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है प्रीति। थैंक यू, थैंक यू सो मच। रिश्ता के बारे में कुछ पता चला? हाँ सब कोशिश में लगे हुए हैं, और जिस तरह से वो लोग रिशिता को ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है कि अपनी रिशिता जल्दी मिल जाएगी। हेलो ऋषिका, कैसी हो? देखो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें घर से दूर ले जाऊंगा, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। इंजॉय तो कर रही हो ना? पानी, पानी चाहिए? वो तो नहीं मिलेगा। एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, तुम बहुत जल्दी बड़ी बहन बनने वाली हो। देखो ना, तुम्हारी माँ तुम्हारी याद में बहुत परेशान हो रही है, और इस कंडीशन में उसको टेंशन लेना अच्छा नहीं है। डॉक्टर ने भी मना किया है। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान जाती? मुझसे माफी मांग लो।
अगर तुम मुझसे माफी मांग लोगी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मैं मर जाऊंगी पर तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। नहीं मांगेगी माफी? नहीं मांगेगी माफी तो भूखी प्यासी यही मर जाएगी। आंटी कहाँ जा रही हैं आप? वो मैं बस डॉक्टर के पास ही जा रही थी। मैं छोड़ देता हूँ आपको। पास में ही है, मैं चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा आंटी, ऋषिता के बारे में कुछ पता चला? नहीं कृष, मैंने जो भी उसे क्लोज फ्रेंड्स के नंबर दिए थे मैं सबको कांटेक्ट करा पर किसी को कुछ नहीं पता है। अगर तुम्हें उसका फोन आया कुछ भी उसके बारे में पता चले तो प्लीज मुझे बताना। आंटी मुझे आपसे एक बात कहनी है, आई डोंट नो कि कैसे कहूँ। कहो ना, रिश्ता के बारे में कोई बात है क्या? नहीं आंटी, उस बारे में तो कोई खबर नहीं मिली। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम मैं जब आपके घर आया था तो मैं रिश्ता को ये दिखाने के लिए आया था। देखिए, ये तो कुणाल जैसा कोई है। जी आंटी, यही बात मैंने इशिता से कही थी, लेकिन इसका फेस नहीं दिखने की वजह से कंफ्यूजन हो गया था। लेकिन बाद में मैंने देखी इसके हाथ के कुछ क्लोज शॉट्स निकलवाए हैं। अगर ये आदमी कुणाल जी ही है तो कुणाल जी के भी तो शर्ट की स्लीव्स फटी हुई होगी ना। ये तो वही शर्ट है। मम्मी, यहाँ पे एक चोर घुस आया था, उसने पीछे से मेरा टॉप भी काट दिया और उसने मेरे को एक कैंची से मारा। हेलो कृष, अच्छा कल तुम मेरे कमरे में गई थी क्या? हाँ, मुझे कुछ आवाज आई तो मुझे लगा शायद रिशिता आ गई क्या, तो बस मैं देखने चली गई थी। तुम्हारे कान का एयररिंग्स मेरे कमरे में गिर गया था। ओके, थैंक यू। वो रिशिता के बारे में कुछ पता चला क्या? हाँ, वो डिटेक्टिव हायर किया ना जो मैंने, उसका फोन आया था, अर्जेंसी में बुला रहा है। अर्जेंसी में क्यों? रिशिता ठीक तो है ना? वो तो पता नहीं, जाने के बाद ही पता चलेगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं नहीं, डॉक्टर ने मना किया, कहा है कि तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। तुम चाय पियो, मैं फ्रेश होके जाता हूँ, ठीक है?
हेलो क्रिश। हाँ कुणाल अभी थोड़ी देर में ही घर से निकलने वाला है, तुम रेडी हो जाओ। ओके। ठीक है ना तू? अभी तक जिंदा है। तेरी मां कितनी तकलीफ में है तुझे लेकर पता भी है? मर जाती तो ले जाता तेरी मां के पास तुझे। हेलो आंटी। हाँ इशिता का पता चल गया है। हाँ कुणाल अंकल ने उसे यहाँ बांध कर रखा है। मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ, फौरन यहाँ आ जाइए। जी खुद का नहीं तो कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोच। माफी मांग ले मुझसे, अगर तू माफी मांग लेगी तो आजाद कर दूंगा मैं तुझे। मुझे लगता नहीं है तू माफी मांगेगी। चल ठीक है, मैं ही तुझे आजाद कर देता हूं, क्योंकि मुझे डैडी बोलने वाला तो इस दुनिया में आने वाला है। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। चुप चुप चुप। ऋषिता मुझे माफ कर दो बेटा। प्रीति ये क्या कर रही हो? ये लड़की सही नहीं है। ये हमें एक नहीं होने देगी। और कभी भी मुझे डैडी नहीं कहेगी, जानती हो क्यों? क्योंकि ये लड़की अपनी जिंदगी में अय्याशी ही करना जानती है। प्रीति मुझे समझने की कोशिश करो। खबरदार जो उसके बारे में एक भी शब्द कहा तो। मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले? उसने तुम्हें डैडी नहीं कहा तो तुमने उसकी ये हालत कर दी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हें उससे? ले चलो सबको,